मैं भारत सरकार का बहुत अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि भारत सरकार ने जो तेल आयात होता है उसके ऊपर कच्चे तेल पर 20% और रिफाइंड पर 12.5 से 32.5% बढ़ाकर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है। इसके कारण सोयाबीन के जो हमारे किसान हैं वो सीधे लाभान्वित होने वाले हैं और बड़े पैमाने पर सोयाबीन का जो भाव है वो किसानों को बढ़कर मिलने वाला है। साथ साथ हमारे केंद्र सरकार ने दूसरा जो निर्णय लिया है, प्याज पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस समाप्त कर दी है और एक्सपोर्ट ड्यूटी 40 से 20 तक उन्होंने लाई है। इसके कारण प्याज का किसान भी बड़े पैमाने पर लाभान्वित होगा और साथ में जो बासमती राइस है उस बासमती राइस को भी एक्सपोर्ट की परमिशन तो थी ही, लेकिन उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी थी, उसको जीरो कर दिया है। इसलिए हमारा जो धान का किसान है उसको भी इसमें बड़ा फायदा मिलने वाला है। कुल मिलाकर किसानों को एक बहुत बड़ी सौगात हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल गया, विजयपुरम कर दिया गया, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल गया, ये बहुत हर्ष की बात है। गुलामी के चिन्हों को मिटाया ही जाना चाहिए और गुलामी के चिन्हों को मिटाने का जो कार्य मोदी सरकार कर रही है मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ।